नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम अमेज़ॉन एफिलिएट के बारे में चर्चा कर रहे थे। अमेज़ॉन एफिलिएट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से आप एक अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करें, किस तरीके से सोशल मीडिया पे शेयर करें, किस तरीके से ई कॉमर्स में करें, किस तरीके से पोस्ट लिखें और कौन सी प्लगइन है, इनके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर दी है। 4 वीडियो आ चुकी है। 5वीं वीडियो में हम चर्चा करेंगे कौन सी बेस्ट थीम है। बेस्ट थीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम बेस्ट थीम का चुनाव करें। तो इसके लिए मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में गया और वहाँ पे मैंने रिसोर्स में देखा कि कौन सी बेस्ट थीम है। वर्डप्रेस के लिए सबसे बेस्ट थीम अमेज़ॉन जो रिकमेंड करता है वो है रीहब थीम और कंपेयर थीम। इसीलिए मैं रीहब थीम के बारे में बार बार चर्चा कर रहा था। रीहब थीम की प्राइस जो है $59 है, इसको आप देख सकते हैं। रीहब थीम बहुत ही फास्टली और बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। यहाँ एकमात्र ऐसी एक थीम है जो कि बहुत अच्छे तरीके से केवल और केवल एफिलिएट मार्केट के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पे आप प्राइस कंपेयर वेबसाइट बना सकते हैं विभिन्न प्राइस को लेकर के, विभिन्न प्रकार के जो भी आपकी ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनको लेकर के, अमेज़ॉन, ईबे, तमाम शॉपक्लूज, स्नैपडील्स को लेकर के आप यहाँ पर अच्छे तरीके से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल, इसको क्रिएट करने के लिए 2 प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है एफिलिएट एक, और एक होता है कंटेंट एक। कंटेंट एक का फ्री वर्जन लेकर के आप काम कर सकते हैं, एक्सेप्ट द पेटीएम। पेटीएम जो है कंटेंट एक में होता है, न कि एफिलिएट एक में। तो अगर आप पेटीएम को भूल जाएँ तो आप प्राइस कंपेयर वेबसाइट बना सकते हैं थीम के साथ, यानी आप ये रीहब थीम प्लस एफिलिएटेड, और कंटेंट एक का एक्सटेंशन ही है एफिलिएटेड। तो इनके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्क्राइब कर देते हैं किसी लाइव वेबसाइट पे। तो हम यहाँ पे आप सारा प्राइस, और ये सब ऑटोमेटेड है ना, कि मतलब आपको कुछ भी नहीं लेना, सब ऑटोमेटिक है। अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, प्राइस, प्राइस हिस्ट्री, एडिशनल, कोई भी कोडिंग नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। तो इस तरीके की भी वेबसाइट आप बना सकते हैं। तो अगर आपको ये थीम परचेज़ करनी है तो आप हमारे एफिलिएट लिंक से जो नीचे दिया गया है वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमें कमीशन मिलेगा जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि जब भी आप इस तरीके की वेबसाइट बनाएं तो मैक्सिमम प्रोडक्ट ना इंसर्ट करके एक पर्टिकुलर कैटेगरी का प्रोडक्ट इंसर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करें, लोगों को बताएं और अपनी डिटेल भी लिखें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी जो आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ये रीहब थीम जो है अमेज़ॉन के द्वारा रिकमेंड की गई है और जो कि बहुत अच्छी है। थीम को इंस्टॉल करने के लिए आपको 2 चीज़ें ज़रूरी है कि आपको पहली चीज़ तो आपको चुनाव करना है कि आप थीम के साथ एक चाइल्ड थीम का इस्तेमाल करें। कौन सी चाइल्ड थीम का इस्तेमाल करते हैं ये डिपेंड करता है आपको, रिकम्पेयर, डिकॉन, रिवाइज कई मिला रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो किया है वो रिवाइज का किया है। यहाँ पे अगर आपने लाइसेंस की एक्टिवेट किया हुआ है तो रेगुलर्स अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद में आप जो है प्लगइन्स सेक्शन में जाएं और प्लगइन्स सेक्शन में सारे प्लगइन्स को एक्टिवेट करें डाउनलोड करके। कुछ तो होते हैं जो कि सीधे इंस्टॉल हो जाते हैं, अगर लाइसेंस एक्टिवेट किया है आपने तो ये बोनस को भी आप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करें पूरी प्लगइन्स में। एफिलिएट और कंटेंट एक का फ्री में आप इस्तेमाल करें और उसके बाद एफिलिएट एक परचेज करें। एफिलिएट एक का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर लीजिए तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एफिलिएट एक की सेटिंग्स में जा कर के आप उनकी लिस्ट को देख सकते हैं, सॉरी आप कंटेंट एक में जा कर के एफिलिएट एक की सेटिंग्स को देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे हैं। यहाँ पे एफिलिएट एक इंटीग्रेशन में यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स मिलेंगे और उन स्टोर्स पे को आपको चेक करके यहाँ पे सेव करना है। मान लीजिए कि आपको टाटा का चाहिए, स्नैपडील का चाहिए, तो आप यहाँ पर करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। टाटा और स्नैपडील को मैं करता हूँ तो अभी तक हमारी सेटिंग्स में टाटा और स्नैपडील नहीं था, लेकिन अब अगर हम जाएंगे तो टाटा और ये स्नैपडील भी होगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं कंटेंट एक की सेटिंग्स में चलते हैं, स्नैपडील और कंटेंट एक को देखेंगे, स्नैपडील का और टाटा का देखेंगे, यहाँ पे आ गया। अब इसको हमें एक्टिवेट कर लेना है, यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। जब भी हम कोई एक्टिवेट करें यहाँ पे आपको अपना एफिलिएट लिंक डालना है जो कि आपको पार्टनर आईडी,
इसके द्वारा मिला गया स्नैपडील, लेकिन स्नैपडील बंद हो चुका है। हमने प्राइस कंपेयर के बारे में बताया है, आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए थीम ऑप्शन में जाना है। थीम ऑप्शन में एक ज़रूरी, जब भी आप कोई एक्टिवेट करें तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एफिलिएट में जा कर के आप ये काम ज़रूर आपको करना चाहिए, नहीं करेंगे तो काम ही नहीं करेगा। यहाँ पे स्नैपडील को आपको करके और यहाँ पे सेव कर देना है। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद आप कभी भी पोस्ट में जब भी जाओगे, पोस्ट में यहाँ पे पोस्ट में जब भी आप करोगे तो आप जो भी सर्चेस करोगे यहाँ पे कंटेंट टैग में, जो भी आपने एक्टिवेट किया हुआ है यूट्यूब में, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, ये तीनों आ गया। कोई भी प्रोडक्ट एक जगह से सर्च कर सकते हैं या कॉमन तरीके से आप सर्च करते कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सर्च किया आईफोन एक्स। सर्च करने के बाद आप देखोगे कि जहाँ जहाँ पे आईफोन का कंटेंट है वो आपको यहाँ पे विजिबल होने लगेगा। 100% ऑटोमेटिक है, कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप अपना कंटेंट लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे आप रेगुलर वीडियोस, गैलरी, रिव्यू, जो लेआउट चुनना चाहें चुन सकते हैं आप यहाँ पे कैटेगरी। और यहाँ पे आप इस थीम की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से आप अपना लेआउट चुन सकते हैं। प्रोडक्ट आपका आना शुरू हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट को आप देख सकते हो और यहाँ से आप इंसर्ट भी कर सकते हो, जो भी आपको इंसर्ट करना है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर ये नहीं कि आईफोन 10 डालना है तो 6 वगैरह सब कर दीजिए हमारी तरह, यहाँ पे आप चुनाव कर सकते हो। अभी आपका ये फ्लिपकार्ट का चल रहा है तो यहाँ से इसको भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी, जो भी। बट यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जो आपको पसंद हो वही लो। और कैटेगरी में मान लीजिए आईफोन 6 128 GB ले रहे हैं तो आईफोन 128 GB ही करें, ना कि अदर करें। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखिए फ्लिपकार्ट का भी आ गया, तीन प्रोडक्ट यहाँ से उठा लेते हैं। इसके अलावा आईफोन एक्स मैं कुछ भी लिख देता हूँ और उसके बाद में हम यहाँ से पब्लिश करते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। ऑटोमेटिक कुछ इमेजेस इंपोर्ट हो जाएंगे और कुछ चीज़ें, मैसेज नंबर 6 आ गया है और ये प्रॉपर वर्क करने लगा है। तो आप इस तरीके से आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर ये काम नहीं कर रहा है तो इसको आपको यहाँ से करना चाहिए और थीम्स और प्लगइन्स को आपको अपडेट करके रखना है। तो ये रहा मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में एफिलिएट टैग और कंटेंट टैग के बारे में एक्स्ट्रा हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम अपने वीडियोस को, मतलब एक पर्टिकुलर रूप से बहुत आगे तरीके से, एकदम जिस तरीके से रीहब थीम में ये बनाया गया है, ये है उस तरीके की वेबसाइट आप बना पाओगे। इस तरीके की आप वेबसाइट बना पाओगे और अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे आप। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू दोस्तों।